नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और फिर से एक बार 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पे लेके आया हूं एक वीडियो, और ये वीडियो का नाम है हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। देखो दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम यही हो जाता है कि फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर मैं फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला आ जाता है, उसको किस तरह से याद रखते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। लेकिन वो टॉपिक जो है वो है इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला। दोस्तों आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आगे कोरिलेशन के, रिग्रेशन के, प्रोबेबिलिटी के सारे जो वीडियोज होते हैं वो मैं अपलोड करता ही रहूँगा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन होता है, तो मैं ऐसे वीडियो लेके आता ही रहूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर। ये एक बेसिक वीडियो है, तो जिसके अंदर मैं सिर्फ तीन लोगों की फॉर्मूला जो है वो कवर करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इसको, लेट अस कीप दिस टॉपिक अ वेरी वेरी सिंपल, और वीडियो को काफी सिंपल रखते हैं, इसलिए यहाँ पे चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम आएगा दैट इज लास्पियर्स, तो ये लास्पियर्स हो गया। दूसरा जो नाम आएगा दैट इज और तीसरा जो नाम आएगा दैट इज तो दोस्तों ये आज हम लोग सिर्फ ये तीन लोगों के फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे लर्न कराएंगे और दिखाएंगे कि उसको याद कैसे रखते हैं, कौन सी मेमोरी टेक्निक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले इंडेक्स नंबर जो होता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हो जाता है दैट इज यहाँ पे P1 और यहाँ पे P0। देखो दोस्तों ये तो सब जगह आता है, तो वापिस यहाँ पे भी मैं लिख लूंगा कि ये हो जाता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। अब यहाँ पे लास्पियर्स जो है वो बोलता है कि हमको मल्टीप्लाई करना है वो है विद क्वांटिटी, लेकिन बेस ईयर की क्वांटिटी। कौन से ईयर की क्वांटिटी? बेस ईयर की क्वांटिटी, इसीलिए इसको हम लोगों ने Q0 लिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बोलता है कि नहीं नहीं, लास्ट पासेस बोलता है कि मैं बोलूँ वो सही, लास्पियर्स बोले वो नहीं, क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पे उसका P0 Q1 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये लास्पियर्स का फॉर्मूला हो गया, फिशर्स का, पासेस का फॉर्मूला हो गया। अब जो इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बोलूँ वो सही, वो क्या बोलता है, इन दोनों का रूट निकाल देने का, इन दोनों का, तो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स जो आया, इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस जो आया, इन दोनों का रूट निकाल देने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रिक यही है कि जो भी आप करो ना, इसको मल्टीप्लाई 100 से करना ही करना है, इसको भी मल्टीप्लाई 100 से करना ही करना है। तो ये आंसर अगर आप यहाँ पे लेके, ये आंसर अगर यहाँ पे लेके यहाँ लिख रहे हो, तो आपने बकायदा इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ही किया है, इसीलिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ऐसा ना करना हो तो खाली एक दूसरा फॉर्मूला भी है, इसके अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई ये रूट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्पियर्स और यहाँ पे लिखूंगा पासेस, और वापिस इसको रूट कर देते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला और ये पूरा फॉर्मूला, इसको वापिस तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ एक डिज़ाइन जैसा बना देता हूँ ये वाला, और इसको मैं सर्कल के स्क्वायर जैसा कर देता हूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा या समेशन जो भी आप बोलते हो ऐसा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 और यहाँ पे सिग्मा P0 Q0 और इनटू 100 करना है, बिकॉज यहाँ पे हमने 100 लिया नहीं है, तो इसलिए इसको इनटू 100 करना है। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा वीडियो था, और ये वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है कि ये वीडियो देख के आई होप कि आपको लास्ट ईयर्स पासेस और फिशर्स का इंडेक्स नंबर जो है वो आपको समझ पड़ जाए। ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू आर वॉचिंग द चैनल प्रणव क्लासेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू, जय हिंद।